नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के मेरठ की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 पेटी शराब को बरामद किया है। वहीं पुलिस की माने तो शराब तस्कर राहुल हापुड़ का रहने वाला है। इस शराब की कीमत लगभग 2,25,000 बताई जा रही है। इस वक्त चल रहा है 500 पेटी शराब बरामद हुई है। कहां यूज होनी थी, कहां से आ रही थी, कितने लोग गिरफ्तार हैं, क्या क्या बरामद? देखिए, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, एक आयशर कैंटर के साथ में, जिसमें कि 500 पेटी हरियाणा मार्का पार्टी स्पेशल और टॉम कैट शराब बरामद हुई है। ये सोनीपत से लाई जा रही थी तथा इसे बवाना क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया है कि इसने किसी प्रदीप नाम के व्यक्ति का ये जो कैंटर है ये लिया था। इससे अग्रिम पूछताछ की जानी है कि आखिर कहाँ ले जाया जाना था और इसका क्या प्रयोग किया जाना था। लेकिन निश्चित रूप से ये बात सामने आ रही है कि जो भी हरियाणा मार्का शराब यहाँ स्मगल की जा रही है वो या तो इंटर स्टेट स्मगलिंग होती है या फिर यहाँ उसका चुनाव के टाइम पर यूज किया जाना है। सर, एक चीज और, इतना बड़ा गैंग 500 पेटी एक आदमी नहीं चला सकता, कितने लोग हो सकते हैं? और सर, अगर अदर स्टेट से आ रही तो सर क्या बॉर्डर्स पर चेकिंग नहीं होती? देखिए, अभी हमारे जो अन्य जनपद हैं जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा शामली जनपद में भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए हमने बैरियर लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया है। 7 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स लगाई गई हैं जिसमें कि मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे। उसके अलावा 7 अन्य जगह पर हमने बैरियर चेकिंग शुरू कराई है, जिसमें कि जानी थाने में, जानी थाने के सामने, भोलाजाल चौकी क्षेत्र और सुभारती चौकी के सामने। कितनी कीमत की होंगी सर ये? कम से कम 25 लाख रुपए की कीमत की। सर, जैसा कि आपने बोला कि चुनावी शराब है, क्या किसी प्रत्याशी का या किसी चुनावी पॉलिटिकल इंसान का नाम निकल कर आया जिसका अभी इसके बारे में पूछताछ किया जाना बाकी? ये जांच चल रही है।